अभी क्या दोनों जॉब कर रहे हो? एमबीए हो मतलब सेकंड ईयर? सेकंड ईयर। ओह फिर तो अभी तो टफ होगा जीवन आप लोगों के आपस में, रिलेशनशिप टफ होगा। जॉब करने आप कहीं चले जाओगे? हाँ आप कहीं चले जाओगे। ऐसे मत बोलो। अरे मैं ऐसा बट जॉब तो देखो अलग अलग ही लगती है यार, हो सकता है बाहर लग जाए। हाँ, हो सकता है टाइम डिफरेंस भी ज्यादा, 12 घंटे के टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल होता है यार। टेंशन मत लो। डिच कैसे किया मतलब उसने चीटेड? नहीं नहीं, वी जस्ट ब्रोक अप लॉन्ग डिस्टेंस। इंडिया में ही था वो तो, लॉन्ग टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा, फिर भी ब्रेकअप हो रहा है। आप लोग कैसे जानते हो दूसरे को? जीवन में वो सोचते ही रहेंगे कि यार ये बंदी बनेगी नहीं बनेगी पूरे जीवन में। यार तुम बताओ यार, ये छोड़ो करते, तुम तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्कूल क्या चल रहा है? सेकंड ईयर कॉलेज, कौन सा कॉलेज? ओके क्या कर रहे हो? बीए। नहीं इसमें मैं सोचा कि फ्यूचर कहाँ होगा बीए मतलब इसके बाद तो एम तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा फ्यूचर में। एमबीए। ओ तुम दोनों के तो होंगे यार इस एज में, तो बनाने चाहिए बॉयफ्रेंड मतलब 17-18 में तो। क्या हो गया भाई यहाँ पे? एवरीथिंग इज ऑनलाइन ना, तो घर पे ही है ना। तो मैं सिर्फ ऑनलाइन करके 3 दिन 3 दिन हद हो गई। क्या इशू है यार, ऐसे ही चलता है यार, मतलब दैट्स हाउ इट यू विल इवॉल्व ना। पहले फेसबुक पे फिर मतलब थोड़ा बातें होंगी, व्हाट्सएप पे मोटिकल जाएंगे किस वाले हो वो सब, उसके बाद मिलोगे, उसी में तो बिल्डअप होता है। डायरेक्ट पहले दिन मिल लिया क्या मजा है। हाँ तो अभी ओ बी सी ए, स्टिल यू हैव टू डू एमबीए अदरवाइज सब हो जाएगा। ओ सही है, आप लोग भी बताओ यार प्लीज। जॉब कैसे जानते हो आप तीनों? आपने इसकी तरफ फ्रेंड्स बोला, इसकी तरफ दोनों? अच्छा दोनों ही फ्रेंड्स हैं। ओ क्यों? तीनों फ्रेंड्स हैं मतलब ना, तो किस सबका अलग अलग चल रहा है या तीनों ही सिंगल हो? अलग अलग। अच्छा आप तो आपका अलग है, किसके साथ चल रहा है? हाँ बताना अब, बड़ा चौधरी बन रहा था बता। अरे यार किड्डो, पूजा क्या होगा तेरा? कहाँ कहाँ? हम बॉम्बे में है ना, एमपी। तो ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटे का ही रास्ता होगा, कितना है यहाँ से? अबे गरीब आदमी ट्रेन ही सोच रहे हैं अभी भी, हद हो रखी है 2-2.5 घंटे। मैं तो भाई देखो ऐसे ही जाता हूँ, यहाँ से पहले बस पकड़ता हूँ, फिर वहां से उतर के दोबारा बस पकड़ता हूँ। गरीब लोग आए हैं, शिट मैन। वो हमेशा टैक्सी करते हैं, हम जाते हैं बस। ओह
तो तू क्यों मुझे साले, मैं अमीर हूँ भाई, ये लोग तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं गरीब हूँ यार? अबे हाथ धो रखी है यार, अबे घड़ी देखो महंगी है यार, हाथ धो रखी है यार, हाथ धो रखी, डीजल की है घड़ी, जो पेट्रोल महंगा हो रखा तब भी ले रहा डीजल की घड़ी। हाँ बता ना, तो फिर कब किया ब्रेकअप? ब्रेकअप हो गया? नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। अबे कह दे ब्रेकअप, कह दे सही थोड़ी पूजा, तुम तो साथ में हो। हाँ भाई बता रहा। हाँ हाँ बता, कितने टाइम से चल रहा? पुराना होगा तेरा तो, 2-3 साल लग रहा है दाढ़ी के बालों से। हाँ अरे अब तो शादी वाला मोड आ गया होगा तुम लोग। उसके बाद ब्रेकअप होगा तो कितना बुरा लगेगा। ओ सही है सही है सही है। और आप क्या करती हो? ओ सीए। ओके कैसे जानते हो फिर? उसको बोलते हैं। आप भी सिंगल हो? क्यों नहीं, मतलब आपसे पूछना था मुझे, आप क्यों सिंगल हो यार? आप तो लड़की हो, लड़की थोड़ी सिंगल होती है, जेंडर रेशियो हमारा इतना वेरी वीक। आपके भी कोई फंडे होंगे, प्लीज यार शेयर ना, सब फंडे शेयर करते हैं। उनका है कि भाई कोविड के चक्कर में वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम ऑनलाइन, इसका है कि मुझे सबको कंधा बनाना है। तुम भी बता दो अपना, तुम क्यों पीछे हो? ओके तो जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में जा सकते हो उसके साथ भी? ओ तुम इतनी मतलब हो गया, मम्मी पापा के बहुत फेवरेट टाइप की चोटी भी मम्मी बताती है होती है ना। अच्छा अच्छा, तो तुम मतलब 18 से ये कॉन्सेप्ट लेके बैठी हुई हो, 24 में आगे सोचा है? बताओ ना थोड़ा, चुटकुले सुना लेंगे, चुटकुले पेपर है, आई नो द चुटकुला पार्ट, लेट आई डू, डोंट वरी। हां बताओ, देखो कैमरे में नहीं आओगी तुम, दिक्कत नहीं है, माय पेरेंट्स भी ऑलरेडी। ओ हां तू तो आ ही सकती है, तू तो उनकी बढ़ाई का दी है। हां बता, 18 वाला भी बता ना फिर तो। ओ अब जस्टिफाई कर दिए, अभी ये 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, अभी बोल रही थी एक्चुअली 26 की हो जाऊंगी। तो ये भगवान कैसे झूठे लोग आए हुए मेरे शो पे। भाई एक सेकंड यार, 26 में तू शादी कर लेगी मम्मी पापा की मर्जी से, वो 24 में करने को बोल रहा था, तू बड़ी है फैंटम बन रही है। अभी पढ़ना है, अब क्या सीए के बाद क्या करना है? मास्टर्स वास्टर्स नहीं होता सीए में? वैसे सीए में कब से मास्टर होने लगे हैं, हमें क्यों नहीं बताया? दिल्ली तक नहीं पहुंचा। हां आफ्टर सीए क्या करना है? अच्छा अब मास्टर्स भी करेगी तू? हां अरे ऐसा क्या फैंटेसी है? पैसे वैसे नहीं मिलेंगे सीए में तेरे को? देख ले बीए बीसीए सीए वाले भी एंड में बी करते हैं, देख लो क्या तुमने क्या किया जीवन के साथ बच्चों। मतलब मास्टर्स करना है तो आई थिंक 24 इज अ गुड एज वेयर यू, बिकॉज़ आफ्टर 27 आई फील इट्स टफ टू स्टडी अनलेस यू आर डूइंग सम यू नो डेंटिस्ट और व्हाटएवर, आई डोंट नो। बट मुझे आई कैन बी रॉन्ग बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेरा भागना था। देख मतलब देख वो खुद सोच रही है। भाई मैं सच में यार मैं माइंड रीडर बन चुका हूँ इतने शो करके। वाह भाई ये बड़ी सही चीज चली है, मेरे को भी रियलाइज हो रहा है। सही है सही है सही है। नाइस, कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए थे तुम्हारे रिलेशनशिप को ना? हाँ वो 2-3 साल में पक्की जाता है बंदा। हो गया है तेरा, आपको उसको बहाना बनाना पड़ेगा। मैं सीए के बाद ना MBBS करूंगी। तेरे से शादी नहीं करनी, LLB भी करूंगी मैं। मैं दोबारा 10वीं में जाके साइंस लूंगी। तू बता तुझे क्या करना है? सॉरी यार, इफ आई एम क्रॉसिंग द बाउंड्री। साइंस ही था फिर सीए कैसे किया? PCM से तूने 12वीं की और 12th की? सॉरी आई एम बॉम्बे। हाँ फिर उसके बाद तो सीए के लिए कुछ आई थिंक बेसिक क्राइटेरिया तो होता होगा, काउंटिंग वो काउंटिंग टाइप्स ये तो साइंस वाले सब कुछ कर लेते हैं, ये तो मैंने देखा है। भाई खेल गए भाई PCM के बाद, बायो पता नहीं क्या सी वो भी थी, कंप्यूटर साइंस भी थी आपके पास? अच्छा अच्छा, इतनी पढ़ाकू नहीं है। इतना मत बोलो। तो
अब तो फिर आर्ट्स करना यार, तू तूने मतलब पीसीएम करी ली है, अब सीए हो गया, अब तो आर्ट्स पे आना है वापस बीए। कौन से कॉलेज में बच्चे तू? हाँ तो ओ 26 में, लेकिन शादी भी करनी है तो 2 साल में तो हाँ, या तो आप भी बताइए दो ब्रो, अब आप क्यों अकेले बैठे हो? सिंगल कर ओ डेविड बेकम करंटली सिंगल राइट नाउ 6:30 बजे तक उसके आगे 1 घंटे का पता नहीं कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ बताना थोड़ा, पेन शेयर करना, इट्स अ रिलीफ थेरेपी, पेन शेयर करो। हाँ बस हाँ जी कैसा लगा ये वीडियो? ठीक है, अच्छा सुनो मैं क्या कह रहा था, मैंने डिसाइड कर लिया हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे मेरा एक वीडियो आता रहेगा। तो गाइस दो चीज़ें प्लीज़ कर लो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को 1 मिलियन करने हैं यार, और दूसरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अभी की अभी। चलो अगले ट्यूसडे मिलते हैं, बाय। गुप्ता जी काफ़ी वाइल्ड है, लाइफ काफ़ी वाइल्ड है।